शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। समूचे भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लोगों ने योगा किया, तो वहीं कुछ योगा के विद्यार्थियों ने अपने घरों में ऑनलाइन योगा के डेमोन्स्ट्रेशन पेश किए। हमारे साथ विश्व योगा दिन के बारे में जानकारी देने के लिए नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय योगा खिलाड़ी धनश्री लेकुरवाड़े हमसे जुड़ चुकी है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हाँ धनश्री, ये बताइए कि जिस तरह से आपने कई किताब जो हासिल किए हैं कि उस मुकाम में आप हो जहाँ इंटरनेशनल की कई ऐसी प्रतियोगिता रहती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा आप लेती हो, लेकिन आज विश्व योगा दिन है, क्या कहना चाहूंगी, योगा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है और इसका कितना फायदा आज के इस जीवनमान में हो रहा है? मेरे हिसाब से योगा सबके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के जो यूथ है वो बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेंटली एंड फिजिकली दोनों भी अगर आपको अच्छा रहना है तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप डेली लाइफ में योगा करें। और अभी हम देखते हैं कि COVID-19 की फेज पे हम सभी लोग जा रहे हैं, तो इसमें हमें इम्यूनिटी पावर अगर बूस्ट करना है तो योगा बहुत अच्छा है। उसमें आपको आसन, प्राणायाम ये डेली करना है ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट रहे। और डेली जो लाइफ में हमें जो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बीमारियां होता है उसमें बहुत हेल्प करता है योगा, इसलिए डेली सबने योगा करना चाहिए। बिल्कुल, काफी अच्छी जानकारी आपने दिया कि किस प्रकार से योगा करना चाहिए, योगा करना कितना महत्वपूर्ण होता है, योगा करने के क्या फायदे होते हैं, कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए भी काफी हद तक योगा काफी फायदेमंद साबित होता है। ये बताइए कि जिस तरह से आज पूरे विश्व में जो योगा दिन जो मना रहे हैं, क्या योगा ये एक दिन मनाने वाली बात है कि पूरे 365 दिन मनाना चाहिए? मेरे हिसाब से एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, मैंने अब तक इंडिया के लिए 22 मेडल जीते, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि योगा डे सिर्फ एक दिन में 21 जून आया तो हमने योगा करना चाहिए। या फिर आज हम देख रहे हैं कि सबने स्टेटस लगा के रखे कि ये आज मैंने योगा किया वो किया, बट उससे अच्छा अगर हम किसी को ना दिखाए चलेगा, बट अगर आप खुद की सेहत के लिए डेली योगा कर रहे हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक दिन नहीं तो डेली पूरे साल भर अपने खुद के लिए करो। और बहुत सारे लोग हमने देखे कि जो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप पहले स्वस्थ है तो आपका देश स्वस्थ है, और आप स्वस्थ है तो आपकी फैमिली भी हेल्दी ही रहने वाली है। और अभी हम लॉकडाउन में तो यही देख रहे हैं कि योगा डे है तो काफी अच्छा जो लॉकडाउन हमें समय मिला है हमारे फैमिली के साथ, तो हम बड़े अगर कर दें तो हमारे यहाँ के छोटे बच्चे भी हमें देख के योगा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यही अगर कंटिन्यू रहा हमारे इंडिया में तो मुझे लगता है कि अगर लोग यहाँ के हेल्दी है तो डेफिनेटली इंडिया भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। अब मेरा आखिरी का सवाल ये था, आप ये बताइए धनश्री कि जिस तरह से पूरे विश्व में योगा को लेके तो कहीं सहूलियत मिलती है, क्या भारत सरकार की ओर से आज भी योगा की जो संस्था है, जो बच्चे क्यों उपेक्षित है, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम कहाँ गिर कम होने जा रहे? मुझे लगता है हाँ अपने इंडिया में भी तो सहूलतें वैसे मिल ही रही है, बट देखो मेरे हिसाब से खुद के ऊपर भी सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं अभी COVID-19 में, मुझे लगता है कि हम सभी भारतीयों को ये समझ तो आ गया कि पहले हमें खुद को क्लीन रखना, खुद अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बाकी सारी चीजें तो फिर बाद में आती है। पहले शुरुआत तो ये खुद से करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत हो जाएगा कि हम किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे या फिर किसी और चीज को ब्लेम करेंगे। पहले हमने खुद ने अच्छा रहना चाहिए, फिर बाद में ये सारी चीजें आती है। बिल्कुल, पहले खुद ने अच्छा रहना चाहिए, ये काफी अच्छी जानकारी। इस समय में इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने भारत का परचम विदेशों में भी लहराया, ऐसी नागपुर की कन्या और भारत का भूषण जिसे हम कहते हैं, वो धनश्री लेकुरवाड़े इस समय हमारे साथ में फोन लाइन भी थी। और हेल्थ इज वेल्थ यही कहा जाता है, हर कोई अपने सेहत का ध्यान रखे और रोजाना योगा करे, क्योंकि यही समय की मांग है। यदि कोरोना वायरस से रोकथाम करना है और जन जागृति करना है तो योगा हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। और सभी दर्शकों को योगा दिन, विश्व योगा दिन के अवसर पर हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धनश्री लेकुरवाड़े, जिस तरह से आपने हमसे बातचीत की, अगली बार फिर हम किसी विषय को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद।